मुझे अकेले में बात करनी है। अकेले में? तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से। क्या? You heard me. मुझे अकेले में तुम्हारी बहन से कुछ बात करनी है। जी? क्या जी? अकेले में क्यों? हमारे सामने क्यों नहीं? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? Leave us alone. नहीं, हम जीजी को अकेला नहीं छोड़े। पता नहीं आप जीजी से क्या कहेंगे, कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो। खुशी क्या कर रही है? कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए बोल। जीजी, तुम अभी भी हमारी जीजी हो, इनकी भाभी नहीं। इनकी ज्यादा तरफदारी की ना तो देख लेना। अच्छा, फोन तो उठा ले। हेलो जी, माफ कीजिए, इधर ही। कहिए। सॉरी जी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता था, पर फिर सोचा कि एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर सॉरी बोल दूंगा। जी जी ठीक है, कह देते हैं आप हमारे। जी जी, उस रात शीश महल में मुझे खुशी की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने उसे जाने से रोका था। आई एम रियली सॉरी। बात पता है अर्नव जी, एक तरह से आपने हमें बचा ही लिया। लड़के वालों ने अचानक से दहेज की मांग की थी और इसीलिए खुशी उस लड़के से मिलना चाह रही थी, और उस लड़के से अगर हमारी शादी हो जाती तो हम ऐसे घर में कभी सुखी नहीं रह पाते। अब हमें इस बात का कोई गम नहीं, बस खुशी है, जिसे अब भी लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद ही है। उसकी कोई गलती नहीं थी। जी, आपने जीजी से बात। मैं चलता हूं। अर्नव जी रुकिए, रुकिए जी। अर्नव जी रुकिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी जीजी से बात ना करूं, और अब मुझे जाने से रोक रही हो। डिसाइड खुशी कुमारी गुप्ता, व्हाट डू यू वांट? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यू नो व्हाट, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे सुनना ही नहीं। पड़ेगा बुद्धू,
पागल हो तुम? सिर्फ मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी इसलिए तुमने मेरा टायर? Are you crazy? Crazy आप? हम जानते कि आपको हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे सॉरी और धन्यवाद। हम जानते कि सॉरी और धन्यवाद एक साथ कहने के लिए आप हमें पागल समझेंगे, लेकिन इसका भी कारण है। इसे पता नहीं बोलने के लिए कारण की जरूरत कब से पड़ने लगी? सॉरी इसलिए क्योंकि हमें लगा था कि आप जीजी को डांटेंगे या फिर कोई उल्टी सीधी बात करेंगे, लेकिन आपने और धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने जीजी को सॉरी बोला, और एक और धन्यवाद आकाश जी और जीजी को एक साथ लाने के लिए। अच्छा बाय, अब आप जाइए। बाय। हाँ मेरे लिए दूसरी गाड़ी भेज दो। दूसरी गाड़ी? हाँ तुमने तो मेरी कार के टायर की हवा निकाल दी। आपको टायर बदलना नहीं आता? हाँ तो बिग डील। तो जब पंक्चर हो जाए? तो फोन करके दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ और ड्राइवर। आज की ताजा खबर, अर्नब सिंह राजदादा को टायर बदलना नहीं आता। इट्स नॉट फनी, और बोल तो ऐसी जैसे तुम्हें आता है। अरे देखो तेरी खुद टायर चेंज कर रही है और अंकल कुछ भी नहीं कर रहे। अंकल का मजाक मत उड़ा। अंकल तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? पाना है? क्या पाना है? पाना? क्या पाना है? देखो तो अंकल वो नट खोलने वाला। साथ साथ में जैक भी ले आइए। चलो भागो यहाँ से, भागो। देवी मैया इस टायर पर कृपा करें और ये टायर बस चलता जाए और चलता जाए। वैसे तो हमें आपकी टायर की हवा निकालने के लिए सॉरी कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे। खुशी टायर बदलने के लिए थैंक यू, मैं भी नहीं बोलूंगा।